जी अर्पण जी, जी, ओके ओके। जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से आयोजित कुंवर नारायण जी पर वार्ता की इस श्रृंखला में मैं सभी अपने सुनने वाले मित्रों, लेखकों, कवियों और कुंवर नारायण जी के प्रेमियों को अपनी ओर से अभिवादन करता हूँ। और मैं इस सौजन्य के लिए आभारी हूँ श्री अर्पण कुमार जी का, जो कि कवि और आलोचक हैं और जनसुलभ पुस्तकालय के नियामक हैं। और यह जो कार्यक्रम उन्होंने कुंवर जी के बहाने शुरू किया है, वो निश्चय ही हमारी कवि परंपरा के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर को लेकर ये मूल्यांकन की जो श्रृंखला है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, पिछले कई दिनों से हमारे लेखक मित्र और कुंवर नारायण जी के सानिध्य में रहने वाले जो लोग हैं, वो कुंवर नारायण जी के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज का जो विषय है, कुंवर नारायण का कवि पक्ष है। यह है जो सिलसिला है, इसमें मुझे शामिल करने के लिए एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ जनसुलभ पुस्तकालय का। जहाँ तक कुंवर नारायण जी के कवि पक्ष का सवाल है, एक बड़े लेखक के रूप में, एक आधुनिक लेखक के रूप में, एक उत्तरदायी लेखक के रूप में अपनी कविता को लेकर, अपनी कहानियों को लेकर, अपनी समीक्षाओं को लेकर, अपनी मुलाकातों के लेकर, अपनी वार्ताओं को लेकर और उस हर क्षेत्र में जहाँ उनका हस्तक्षेप या सहभागिता रही है, वे एक बहुत ही सावधान लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक बार मुझे याद है, ये मेरा सौभाग्य है कि उन पर कुछ काम करने के बहाने उनसे मिलना हुआ और मिलना होता रहा। इस मिलने जुलने के दौरान एक कवि को, एक बहुत बड़े कवि को, यानी अज्ञेय के बाद जो एक टावरिंग पर्सनालिटी हिंदी कविता में रही है, वो कुंवर नारायण जी की रही है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में बार बार आना, उनसे मिलना, उनके विचारों को जानना और लिखे हुए के प्रति एक प्रतिकृति का भाव, एक तृप्ति का भाव, एक आश्वस्ति का भाव मन में लिए रहना, यह हमेशा बहुत ही प्रीतिकर रहा है। एक बार मुलाकात के दौरान उनकी हाल ही में डायरी आई थी, जिसका शीर्षक है दिशाओं का खुला आकाश। इसे यतीन्द्र मिश्र ने संयोजित और संपादित किया है। उसे देते हुए और उस संबंध में बातचीत करते हुए उन्होंने एक वाक्य कोट किया जो हिटलर का था, और वो वाक्य था, नथिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस इज मेयरली गिवन टू मैन, एवरीथिंग मस्ट बी स्ट्रगल्ड फॉर। यानी कोई भी महत्व की चीज जो व्यक्ति अर्जित करता है, वो यूं ही नहीं, वो उसे उसे प्रदत्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे संघर्ष करना चाहिए और तब उसे जो मिलता है वो महत्व का होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा तानाशाह जिसके बारे में हमारी धारणा या एक एक कवि की धारणा बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए, उससे भी एक ऐसा विचार विग्रहण कर रहे थे। और उस वाक्य को जैसे ही उन्होंने उस बातचीत के दौरान कहा,
मैंने उस किताब की पीठ पर नोट कर लिया उसे, नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इज मेयरली गिवन टू मैन, एवरीथिंग मस्ट बी स्ट्रगल्ड फॉर। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मुझे ये लगा कि कुंवर जी के पास या कुंवर जी के भीतर जो जिज्ञासाएं हैं वे किसी भी छोर तक जा सकती हैं, किसी भी व्यक्ति से वे मिल सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का उपयोग कर सकती हैं, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से वे प्रेरणा ले सकती हैं। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी और इसलिए उनकी कविता में प्रवृत्त होते हुए, उनके लिखे में प्रवृत्त होते हुए, उसका अध्ययन करते हुए उन्हें विभिन्न तरह से उनकी बातें सुनने, उसे समझने और उसे अपनी प्रेरणा में उतारने का काम करता रहा। उनसे जब भी ये बात होती कि उनकी कुल मिलाकर किताबें बहुत कम हैं और कविता की किताबें भी मुझे लगता है कि लगभग 10 संग्रह होंगे, जिसमें 2 प्रबंध काव्य हैं, 8 स्फुट काव्य हैं, इतने कम परिमाण के लेखन में उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, कवि व्यक्तित्व है, वो इतने ऊंचे आसन पर विराजमान है कि उसे आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। मुझे याद आया इस संबंध में अज्ञेय की डायरी का वो लिखा हुआ वाक्य, जिसमें वे कहते हैं कि कम लिखो जब तक अनिवार्य न हो, न लिखो और इसके लिए कितना बनाना संवारना है उसे मन ही मन में उसका रूप निर्धारित करके और फिर उसे कागज पर तरतीब दीजिए, जितना घना छोटा गठीला संभव हो उस तरह से उसे नियोजित करके फिर से कागज पर उतारिए। लेकिन ऐसा करते हुए पहले हमेशा पेड़ को प्रणाम करके, क्योंकि वही तुम्हारी बलि है, अज्ञेय कहते हैं। और इस तरह से ये अज्ञेय की जो सीख है कम लिखने की लेकिन प्रभावी लिखने की, ये अज्ञेय की सीख उनके समकालीनों में या उनसे बाद की पीढ़ी में अगर किसी व्यक्ति पर ये सर्वाधिक लागू होती है जिसने अपने जीवन में सर्वाधिक इसका परिपालन किया, उसमें कुंवर नारायण जी हैं। उनके जाने के बाद भी जो कविताओं का संचयन आया और वो श्री अपूर्व नारायण जी और भारती नारायण जी के जरिए संभव हुआ, उसमें भी हमने देखा कि उनका जो उत्तर जीवन है, उत्तर जीवन के अपने जो निजी एहसासात हैं वे तो है ही हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम समस्याओं पर बहुत ही बारीक नज़र से वे अपने विचार रखते हैं और अपने पूरे जीवन के कालखंड में उन्होंने जो रचनाएं हमें काव्य के रूप में दी, हम सभी जानते हैं कि चक्रव्यूह उनका एक ऐसा काव्य था जो प्राथमिक तौर पर एक प्रवेशक था उनकी कविताओं के मामले में। और चक्रव्यूह की जो रचना है वो वाकई जिस तरह से चक्रव्यूह शीर्षक है, वो दार्शनिक व्यूह में जिसे घिरा हुआ शीर्षक है, उसमें उनके जीवन की जो परिणतियां हैं, जीवन का जो प्रारंभिक अंश है, जीवन के जो शुरुआती उनकी जीवन के शुरुआती क्षण हैं, उसमें वे किस तरह से अपने ही परिवार में, जो उनके परिवारजनों में जो मृत्युएं हुई उसको उन्होंने बहुत गहरे और बहुत वेदनामय तरीके से महसूस किया और उसका प्रभाव जो परिवार में ये असामयिक जो क्षतियाँ हैं उसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत गहरा पड़ा, ख़ास तौर से उनकी बहन
जैसे कि बहुत उनका आत्मीय रिश्ता था, और उनके जाने का जो अवसाद है वो कहीं न कहीं एक दार्शनिक वैचारिकी के रूप में छन कर चक्रव्यूह में आया। तो चक्रव्यूह की कविताओं से वे जब हमारे सम्मुख आते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, अवसान के बारे में, लोभ के बारे में अनेक बारीक जिज्ञासाएं हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी युवतर अवस्था में मृत्यु का सामना कर रहा है, मृत्यु का साक्षात्कार कर रहा है, उसके भीतर यह जो काव्यात्मक परिणति है यह हमें उसमें देखने को मिलती है। यह भी सच है कि कविता का शिल्प, चूंकि कुंवर नारायण जी तार सप्तक की परंपरा के कवियों में हैं, उसके पहले नई कविता का जो बोलबाला था, उसके पहले छायावाद का जो बोलबाला था, यानी कविता अपने उच्च सिंहासन से होती हुई उनके पास पहुंची थी। वे उस दौर के थे जब 60 के मोड़ पर वे खड़े हुए थे और 61 में उनका शायद परिवेश हम तुम आया था। ये वो दौर था जब पूरे साहित्य में मोहभंग, आजादी का मोहभंग, राजनीतिक तरीके से जो घटनाएं हो रही थीं, उसकी परिणति जो काव्य में हो रही थी, तमाम आंदोलन उभर रहे थे उसकी परिणति हो रही थी, और ये सिलसिला 7वें दशक तक अकविता का भी एक एक चक्र उस दौर में आ रहा था। लेकिन उससे सबसे अपने को अप्रभावित करते हुए और नई कविता का ही जो एक्सटेंशन था, जो कहा जाए कि तार सप्तक के जो कवि थे वे उसका विस्तार कर रहे थे, अर्थ विस्तार या प्रयोगों की दृष्टि से जो नवीनता थी उन नवीनताओं के वे आग्रही कवियों में थे। तो चक्रव्यूह की जो जो रचना धर्मिता है, जो चक्रव्यूह की कविताएं हैं, वे अपने आप में बहुत ही दार्शनिक मनोवृत्ति और उस चित्तवृत्ति की कविताएं हैं जहाँ पर व्यक्ति जीवन के सामने विवश है, ठिठका हुआ है, वह प्रश्नाकुल है। इस तरह की कविताएं हमें चक्रव्यूह में मिलती हैं। लेकिन चक्रव्यूह में कुछ ऐसी रचनाएं भी थीं जिसमें उनके जीवन का अनुराग भी प्रकट होता है, उनके जीवन का वह पक्ष भी प्रकट होता है जिसमें लगता है कि जीवन जीने योग्य है, यह जीवन रमने योग्य है। तो अंततः ये तो माना जा सकता है कि इतनी जिज्ञासाओं के बाद भी वे हमारे सम्मुख एक ऐसे कवि के रूप में उभरते हैं जो कि जीवन की कविता के लिए जानी जाएंगी। यदि आगे चलकर हम उनकी आत्मजयी को देखें तो आत्मजयी का जो भी जो उसका पक्ष है बहुत ही दार्शनिक है, यद्यपि उसका जो जो उसकी जो विषय वस्तु है वो कठोपनिषद से गृहित है, लेकिन उस कठोपनिषद से ली गई विषय वस्तु को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन की घटनाओं से जोड़कर उसे एक उदात्त स्वरूप में विकसित करना, एक काव्य के रूप में विकसित करना, बड़ी जिज्ञासाओं के रूप में उसे मूर्त करना, ये कुंवर जी ने किया। और ये भी कहना न होगा कि चक्रव्यूह की जो भाषा थी, जो चक्रव्यूह की काव्यात्मक व्यूह रचना थी, लगभग वैसी ही व्यूह रचना आत्मजयी में भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चक्रव्यूह में उनकी कुछ ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिस पर मृत्यु की छाया नहीं है, अवसाद की छाया नहीं है, और बहुत रागात्मकता भी है, जिसका कि एक पद मुझे याद है, रात मीठी चांदनी है, मौन की चादर तनी है, रात मीठी चांदनी है, मौन की चादर तनी है। और इसमें कभी कहता है कि एक मुझ में रागिनी है जो कि तुमसे जागनी है। तो इस तरह से उनके जीवन का जो ये पक्ष है, रागात्मक पक्ष है, वह भी था, और जीवन का जो अवसाद पक्ष था, जो कि मृत्यु के भय, मृत्यु से साक्षात्कार और उसको लेकर जो उनकी दार्शनिकता
जन्म ले रही थी कविता में, वह भी उसके साथ था। परिवेश हम तुम इसी दौरान की रचना है जो 1967 में प्रकाशित हुई, और मुझे लगता है कि परिवेश हम तुम तक आकर वे थोड़े सहज होने लगे थे। सहज इस अर्थ में कि उन कविताओं में कुछ कुछ प्रगीत तत्व भी हैं, कुछ उनकी कविताएं जो हैं वो बहुत ही उल्लास और आह्लाद के निकट भी आने लगती हैं, और एक तरह का जो कविता का परिवेश है वो अपना परिवेश खुद का भी रच रहे थे। उस दौरान जितने भी लिखने वाले थे, चाहे केदारनाथ सिंह हों या उनके और समवयस या समकालीन कवि, उनसे उनका मुहावरा कैसे अलग हो, वो कैलाश वाजपेयी से कैसे अलग हो, केदार जी से कैसे अलग हो, वो श्रीकांत वर्मा से कैसे अलग हो, रघुवीर सहाय से कैसे अलग हो, चूंकि ये बड़ी उपस्थितियां थी कविता में। और कुंवर नारायण जी इस अर्थ में गैर राजनीतिक कवि थे, जिस तरह की रघुवीर सहाय की आभा थी या श्रीकांत वर्मा में राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीति में दाखिल होने के बाद और उसकी परिणतियों को देखने के बाद जो जो विफलताओं का गान है, उस कोट के कवि कुंवर नारायण नहीं थे। वे बिना राजनीति में गए, बिना किसी विचारधारा के आग्रह के, उनकी कविता में न्यस्त विचारों की भी अपनी एक दुनिया रही है, उसकी अपनी एक धुंध भी रही है। तो इस तरह से उन्होंने अपने काव्य जीवन का प्रवेश जिन तीन बड़ी कृतियों से किया, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम और आत्मजयी, ये कविता में खास तौर से उस दौर की कविता में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। आत्मजयी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि जब उनसे दिनकर जी की भेंट हुई और बहुत ही ठिठक कर उन्होंने कहा कि क्या तुम ही कुंवर नारायण हो जिसने आत्मजयी लिखी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही कुंवर नारायण हूँ। तो उनका जब इसी उम्र में तुमने आत्मजयी लिख ली है तो आगे क्या कुछ लिखोगे ये भी सही। तो इस तरह का एक जो बहुत ही प्रशंसात्मक भाव दिनकर के भीतर था, और दिनकर खुद जो महाकवि थे और उर्वशी जैसे काव्य के रचयिता, और काव्य के परिमाण के मामले में जीवन से जुड़े जो काव्य के घटक हो सकते हैं, छंद के मोर्चे पर बहुत ही कुशल और कुशाग्र कवि और राष्ट्र कवि भी माने गए, ऐसा एक कवि उनके सम्मुख ये कहे कि आत्मजयी इसी उम्र में लिख ली है, ये तो एक बहुत बड़ी विजय है, एक कवि की बहुत बड़ी सफलता है। तो इस तरह से ये तीनों जो कविता संग्रह हैं, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम और काव्य आत्मजयी, ये इस सीमा तक आकर, आत्मजयी तक आकर कुंवर नारायण अपने आप में एक एक स्वतंत्र कवि व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, जिसमें कि वे अपने समकालीनों में अग्रगण्य कवि के रूप में गिने जाने लगते हैं। उसके बाद उनका संग्रह अपने सामने आया, अपने सामने की रचनाओं से वे थोड़ा सरल होने लगते हैं, और उसके बाद जितनी भी कृतियाँ आईं, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, हाशिए का गवाह, बादशाह के बहाने, कुमार जीव, इस सब में उनकी भाषा सरल होती है, उनका कथ्य बहुत उदात्त होता है। वे खुद ये कहा करते थे कि ये कविताएं आत्मकथा न लिखने के मामले में जब उनसे पूछा जाता था कि आपने कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, आत्मकथा नहीं लिखी, तो कहते थे एवं तुष्कों का कथन उद्धृत करके कि कविताएं ही कवि की का आत्मकथ्य हैं, वही उसकी ऑटोबायोग्राफी है, बाकी चीजें फुटनोट हैं। तो जाहिर है कि वे अपनी कविताओं में बहुत बारीक तरीके से अपने को भी व्यंजित कर रहे थे, और इस अर्थ में अपने सामने में
आप देखें केवल अपने को नहीं बल्कि उस पूरे समय समाज की गतिविधियों को, उसकी विडंबनाओं को बहुत ही बारीक तरीके से सामने रख रहे थे। आत्मजयी में सॉरी अपने सामने में एक उनकी कविता है जिस हमारे आप सबको याद होगा, जिसमें कि अस्पताल में जाने पर डॉक्टर डॉक्टर नहीं लगता, कुछ और लगता है, जो ऑपरेशन थिएटर है कुछ और लगता है, और अंत में उस कविता की जो भयानक भयानक परिणति है वो इस तरह से दिखती है जैसे हमारे युग का वो एक भयंकर सत्य हो। और आज अगर ये देखा जाए जो अस्पतालों का तंत्र है, एक एक कवि दूरदर्शी भी होता है, जिस तरह से अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, मरीज और इस सब में जो पूरी एक तंत्र की उदासीनता है, स्वास्थ्य तंत्र की उदासीनता है आज, बल्कि उसकी ज्यादा भयावह परिणति है। एक कवि अपने कथ्य में दूरदर्शी भी होता है, जिस तरह अस्पताल की पूरी संरचना को वे अपनी कविता में सामने रख रहे थे, और जो उसकी उस कविता की जैसी परिणति होती है वो इतनी दुखद परिणति है कि आज के जो अस्पताल का जो पूरा तंत्र है, पूरा कारोबार है, जिसमें मनुष्य एक एक ऐसी इकाई है जिस पर कि सारे प्रयोग आजमाए जा रहे हैं, वो एक प्रयोगशाला बन के रह जाता है अस्पताल में। और मुझे लगता है कि अभी जो स्वास्थ्य तंत्र की विफलताएं हैं, उनकी जो जो यांत्रिकताएं हैं, उनमें जो मनुष्य को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, और जो महंगे से महंगा इलाज है किसी, इस पूरे पूरे तंत्र को एक बहुत छोटी सी कविता में जैसे युग सत्य को खोल कर रख दिया गया है अपने सामने, इस तरह की और भी कविताएं इसमें हैं। इसके बाद कोई दूसरा नहीं, ये कविता संग्रह बहुत ही एक, मैं कहता हूं कि उनके जीवन का अगर पहला बड़ा मोड़ आत्मजयी है तो स्फुट काव्यों में एक बड़ा मोड़ कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं, मुझे लगता है कि अपने आप में यह उनके कवि व्यक्तित्व की एक ऐसी संज्ञा है, ये उनका कवि वैशिष्ट ही जैसे संज्ञावान हो उठा, कोई दूसरा नहीं। वे शायद ये भी है कि वे ऐसे कवि के रूप में उभर रहे थे जिसकी मिसाल हिंदी कविता में और किसी से नहीं दी जा सकती। इसी में उन्होंने एक कविता अपने बारे में लिखी है, यद्यपि उनकी सारी कविताएं उनके बारे में भी हैं और जीवन जगत के बारे में भी हैं, पूरे विश्व के बारे में हैं, लेकिन उनके बारे में जो कविता है उसका शीर्षक है कागज़ कलम और स्याही। और इसमें पूरी तरह से वे चूंकि एक उद्योगपति घराने से थे, वही जो परिणति प्रसाद जी की थी, वही लगभग दूसरे अर्थों में कुंवर नारायण जी के साथ घटित हो रही थी कि वे एक ऐसे व्यापारिक घराने से थे जहाँ उनका व्यापार में मन नहीं लगता था, उनका मन कविताओं में लगता था। तो इस पूरे उहापोह को वे इस कविता में उतारते हैं, कागज कलम और स्याही। जरा लंबी कविता है लेकिन इसी में वे कैसे उड़ान भरते हैं जीवन के बारे में, जहां तहां वे अपनी आस्था प्रकट करते रहते हैं। जीवन उनके लिए एक जिजीविषा है, जिजीविषा रही है, लेकिन यह जिजीविषा व्यर्थ न हो, यह अर्थवान हो, इस कविता का एक अंश है। इसमें कहते हैं कि फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई कोई प्यार से लिखे। जिंदगी फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। ये जो जीवन के बारे में है कि जीवन एक प्रतीक्षा,
एक प्रतीक्षा हो, और वो बड़ी सुखद प्रतीक्षा, यानी जीवन का पूरा कालखंड एक सुखद प्रतीक्षा की तरह हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। किसी शायर ने जो कहा था कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, मुझे लगता है कि जीवन इसी आरजू और इंतजार का नाम है। और जीवन अगर ऐसी प्रतीक्षाओं में बीत जाए तो इससे बेहतर जीवन का अर्थ और क्या हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसके बाद इसी इसी कोटि का उनका दूसरा संग्रह, अगला संग्रह इन दिनों, बहुत ही अच्छा संग्रह, हाशिए का गवाह, बहुत अच्छा संग्रह, जिसमें कि द्वारिका में सुदामा और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रचनाएं उसमें हैं, कई खंडों में विभाजित, लेकिन जीवन के छोटे छोटे क्षणों और अनुभवों को बांध लेने वाली उसमें उक्तियां हैं। उसके बाद जो उनका फिर एक चरम शिखर और एक बड़ा मोड़ है बादशाह के बहाने, जिसको हम उस अर्थ में आत्मजयी का दूसरा प्रतिरूप या उसका पूरक प्रतिरूप मान सकते हैं। बहुत लंबे अरसे बाद आत्मजयी के बाद बादशाह के बहाने, जैसे आत्मजयी लिख कर कुछ लिखना छूट गया हो, कुछ कहना छूट गया हो, आत्मजयी के केंद्र में नचिकेता होते हैं, तो लगता है कि पुत्र की बात हुई है, जनरेशन गैप की बात हुई है, पीढ़ियों के अंतराल की बात हुई है। लेकिन पीढ़ियों के अंतराल में जो दूसरा पक्ष है बादशाह, उसका पक्ष नहीं उभर कर सामने आया। तो वो बादशाह के बहाने काव्य में, बादशाह के बहाने एक पिता के पछतावे, एक पिता के भीतर उमड़ते घुमड़ते क्षोभ को व्यंजित करते हैं। और तमाम जगहों पर न केवल जीवन के बारे में, बल्कि काव्य के बारे में, सुलह के बारे में, संजीवनी के बारे में, समझौतों के बारे में, और बहुत सारी उक्तियाँ वे देते हैं, जिसके बारे में मैं इस क्रम में चर्चा भी करूँगा। इसके बाद उनका आखिरी जो उनके जीवन का पड़ाव था वो कुमार जीव था। कुंवर जी की जिज्ञासाएं अनंत थीं, वे अंग्रेजी साहित्य के अध्ययनकर्ता थे, लेकिन उनका हिंदी के प्रति एक बहुत ही स्वाभाविक किस्म का लगाव था। उस दौर के बहुत सारे कवियों को हम देखें कि जिन्होंने अंग्रेजी में अध्ययन किया लेकिन उन्होंने लिखना पसंद किया हिंदी में, तो कुंवर जी भी ऐसे ही व्यक्तियों में थे। वो जानते थे कि हिंदी जो है वो कविता और कला की भाषा है, वे अपनी डायरियों में भी इसको उद्धृत करते हैं। तो उन्होंने कुमार जीव जो काव्य लिखा, वो जाहिर है कि ये कुमार जीव का लिखा जाना भी इसके इसके परिप्रेक्ष्य में वो बौद्ध दर्शन है, बुद्ध के प्रति उनकी जो आस्था है वो है। तो जो बुद्ध के प्रति आस्था है उसके कारण उन्होंने कुमार जीव जैसे जैसे चरित्र को लिया, और उसके उसके माध्यम से उसके जीवन का जो संघर्ष है, एक ऐसा महान अनुवादक उस दौर का, उस अनुवादक के जीवन में उतर कर उन्होंने इस काव्य की रचना की है। उनका आखिरी जो काव्य है, हमने देखा है कि उन्होंने वे बल्कि रिल्के के उस विचार का अनुगमन करने वाले थे कि जैसे भी जो विचार आए उनको नोट करते चलें। तो उनके घर में बहुत सारी डायरियाँ, जिनमें डायरियों में आधी अधूरी कविताएं, डायरी में विचार, बहुत सारे विचार उसमें रहते हैं, और अभी भी उनके न रहने पर कहानियाँ डायरी में दराज इतने पड़े हुए हैं, जिसको कि व्यवस्थित करने में अपूर्व जी लगे हुए हैं। एक लंबी लंबी साधना वे कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि उनका कहानी संग्रह आशा का, बेचैन पत्तों का कोरस, जिनमें कि एक अलग तरह की कहानी वे लिखते हैं, आकारों के आसपास के बाद की जो कहानियां हैं, वे उस तरह से घटना प्रधान भले न हो, लेकिन क्षीण से क्षीण घटना को भी वे मनोविज्ञान की भाषा में
समझने वाले कहानीकार रहे हैं। इसलिए जो इस तरह का जीवन जगत है उसको अपनी कहानियों में व्यंजित करते हैं। इसी तरह से जो उनका मरणोपरांत संग्रह है सब इतना असमाप्त, वह आया और वो कुल मिला के देखें तो सब इतना असमाप्त एक ऐसा संग्रह है। और इसकी बहुत सारी रचनाओं में उनके उत्तर जीवन का चिंतन समाया हुआ है, जैसे कि आखिरी परिच्छेद में, जीवन के आखिरी परिच्छेद में व्यक्ति अपने जीवन का सारांश अपनी कविता में रखना चाहता हो। उनके जीवन की उदासियाँ, ये भी लगता था कि जैसे कि वे जिस वार्धक्य से गुजर रहे थे, आंखें भी उनकी लगभग देख नहीं पाती थी, तो जो न देख पाने का अवसाद है, उस तरह से न रच पाने का जो एक क्षोभ है, पीड़ा है। और चूंकि आत्मतल पर वे बहुत ही अव्याहत ज्ञान के कोश थे और जब वे नहीं भी देख पाते थे तो भी उनके भीतर की जो लिखने की बेचैनियां हैं वे बहुत ही उमड़ घुमड़ करती थी। मुझे लगता है कि जीवन से जो और अवसर उन्हें चाहिए था, उन्हें उनकी उनकी जिजीविषा बिल्कुल इस इहलोक से जाने को बिल्कुल न होती रही होगी। बहुत सारी रचनाएं छोड़कर जो गए, बहुत सारे अधूरे नोट्स जो वो छोड़ के गए, शायद उन्हें पूरा न कर पाने का क्षोभ भी उनके भीतर भीतर था कि कौन इसे करेगा। सब इतना असमाप्त का जो कि जो पूरी संरचना है जिसमें कि ये लगता है कि शायद अगर इसे कुंवर जी अंतिम तौर से पारित करते तो हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव भी वे संभव करते, वे कोई शब्द इधर उधर भी करते। तो इस तरह से चक्रव्यूह से लेकर और सब इतना असमाप्त तक कि उनकी जो काव्य यात्रा है वो भले ही संग्रहों के मामले में अल्प परिमाण का मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर कम लिखकर कहा जाए, यद्यपि ये बहुत कम भी नहीं है, लेकिन वे उन व्यक्तियों में थे कि किसी पुरस्कार के अवसर पर दिए गए वक्तव्य में एक शायर को कोट किया था ये कहते हुए कि जरा सा दिल है लेकिन कम नहीं है, इसी में कौन सा आलम नहीं है। तो वे इस भावबोध के थे जिसके भीतर आत्मसंतोष का एक घना वातावरण था। वे असंतुष्ट, अपनी कविताओं में असंतुष्ट उस तरह से नजर नहीं आते जिसमें कि उनके भीतर की कहीं कोई कुंठा जागृत हो रही है। बहुत सारे लोग अपने काव्य में अपनी कुंठाओं का प्रक्षेपण करते हैं, जो उन्हें नहीं मिला उसके न मिल पाने का क्षोभ भी कहीं ना कहीं उसमें दर्शाते हैं। बल्कि कई एक आध बार कहीं उन्होंने लिखा भी है या कहा भी है कि कविताएं शिकायतों का पुलिंदा नहीं होनी चाहिए, यानी कविताओं में हमारी मध्यवर्गीय शिकायतें नहीं आनी चाहिए। जाहिर है कि अपने निज के असंतोष को भी जब हम एक काव्यात्मक परिणत में बदलते हैं तो वो असंतोष ऊपर से झलकना नहीं चाहिए। और ये सच है कि जैसी एक आम आदमी का जीवन होता है, एक कवि का जीवन उससे अलग नहीं होता है, उसके संघर्ष थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, आम आदमी के संघर्ष थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। कवि अगर उसका अर्थतंत्र समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसे बहुत तरह के काम करने पड़ सकते हैं। इस अर्थ में कुंवर जी को देखा जाए तो वे थोड़े इस बात से स्वतंत्र थे कि उनकी जीविका का कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें कि वे बहुत इस अर्थ में उन्हें कोई ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन के
सामान्य मोर्चे पर संघर्ष न करना पड़े, उसका भी अपना एक भीतरी आत्मसंघर्ष होता है। ये आत्मसंघर्ष जाहिर है कि मुक्तिबोध के आत्मसंघर्ष से अलग किस्म का आत्मसंघर्ष है, और ये आत्मसंघर्ष कुंवर नारायण के भीतर भी था। उन्हें खुद को लेकर उतना आत्मसंतोष नहीं था जितना इस दुनिया की विडंबनाओं पर, जिस पर वे वैचारिक रूप से लाउड होकर कुछ कहने से बचते थे, लेकिन बहुत ही सारांशतः वे अपने नैतिक आग्रहों से इसे कहते भी थे। तो उनके कुल मिलाकर उनकी उनकी जो कविता का संसार है, वो बिना किसी विचारधारा से प्रभावित हुए विचारों का समुच्चय है, विचारों का एक आधार है। और उनके बनने में, उनके कवि के बनने में बहुत सारे प्रभाव भी हम लक्षित कर सकते हैं। उनके जीवन पर अनेक अनेक प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि उनकी अध्ययनशीलता, उनका चिंतन, उनका विवेक, स्वविवेक, एक जागृत विवेक रहा है। प्रारंभ में उनके ऊपर लोहिया का प्रभाव, लोहिया से मुलाकातें, लोहिया का जीवन देखना, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी के संपर्क में रहे, तो जाहिर है जयप्रकाश नारायण के प्रति भी उनकी आस्था रही होगी। और समाजवादियों से उनका जो जो लेन देन था, वैचारिक लेन देन, तो इस अर्थ में, और तब हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थ में वे राजनीतिक व्यक्तियों के करीब तो थे, लेकिन इन व्यक्तियों के करीब होते हुए भी रचनाओं में, जाहिर के कुंवर नारायण की रचनाएं भी उस वैषम्य का को उद्घाटित करती हैं, जैसा वैषम्य एक वैचारिक कभी भी करता है, एक राजनीतिक कभी भी करता है, लेकिन उसके करने का तौर तरीका अलग होता है। लेकिन वे समाजवादियों से प्रभावित थे, और उनका जो काव्य है वो पर्याप्त इसके संकेत देता है, यद्यपि बहुत बारीक संकेत। वे गांधी से प्रभावित हैं, उनकी तमाम रचनाओं में आप देखिए जिस तरह से अपनी रचनाओं को वे मोड़ देते हैं, जिस तरह से अपनी रचनाओं को तरतीब देते हैं, बहुत ही आत्यंतिक भाव से उनके भीतर एक गांधी भी था। खास तौर से उनकी बहुत सारी रचनाओं में हम देखते हैं। और वे पर्यावरणवादियों से प्रभावित थे, वे लखनऊ से जब दिल्ली आए तो लखनऊ भी एक तरह का, वहाँ पर भी बाजार आच्छादित हो रहा था, जिस निराला नगर में वे रहते थे वह भी बहुत ही घनी और जनसंकुल आबादी वाला इलाका हो चुका था। शायद वहाँ से इसी मोह में वे मुक्त होकर दिल्ली आए रहे होंगे, कि दिल्ली एक बड़ा केंद्र है वो साहित्य के लिए भी, और थोड़ा शायद यहाँ जीवन ज़्यादा उन्हें सुविधाजनक लगे। इस पर भी उनकी डायरी भी है, उनकी कुछ कविताएं भी हैं कि कैसे वे महसूस करते थे, लेकिन उनकी रचनाएं, उनका चिंतन वो पर्यावरणवादियों से भी प्रभावित था। प्रकृति के पक्षधर थे वे, उनके यहाँ प्रकृति इस तरह से नहीं आती जैसे कि वो पंत जी के यहाँ आती है, जैसे अज्ञेय जी के यहाँ आती है, जैसे प्रकृति के पक्षधर कवियों के यहाँ आती है, लेकिन वे प्रकृति प्रकृति के पक्षधर थे। और उसके कुछ नोटेशंस उनकी कविताओं में मिलते हैं। प्रेम और अनुराग के पक्षधर थे, जिसमें कि एक अजीब सी मुश्किल जैसी कविता लिखते हैं, प्रेम रोग जैसी कविता लिखते हैं। नियति काल और प्रारब्ध, ये भी उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं झलकता है। जो प्रारब्ध है उसको वे अपनी रचनाओं में अंकित करते हैं, लेकिन वहीं पर प्रारब्ध से वे हार नहीं मानते, काल की क्रूरताओं से हार नहीं मानते, नियति की क्रूरताओं से वे हार नहीं मानते। वे मनुष्य को साहस देने वाली कविताएं भी लिखते हैं, मनुष्य को साहस देने की कविताएं, जैसे कि एक छोटी कविता जो बहुत ही प्रचारित हुई, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। छोटी कविता है लेकिन बहुत ही प्रभावित कविता है। और हम देखें कि कवियों का जो काव्य है वह इसलिए भी ध्यातव्य होता है कि वो पग पग पर कहीं न कहीं अपना जीवन संदेश भी विकीरित करता रहता है, वो रहता काव्य में ही, काव्य में अनुस्यूत रहता है। निहायत नैतिक संदेश का प्रतिकथन बन जाना उसका उद्देश्य भले ना हो,
लेकिन उसकी विचारणा, उसकी वैचारिकी, उसकी अपने खुद के निर्मित वैचारिकी झलकती रहती कि कवि क्या कहना चाहता है, इतने इतना लिखने का आशय क्या है। तो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं पराजय भी है जो आम आदमी की पराजय है, लेकिन आम आदमी के लिए आशावाद भी उनके यहाँ दिखता है, तो इस तरह का है। और तो इस तरह से उनकी कविता पर, उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा समाजवादियों का, गांधी का प्रभाव पड़ा, अहिंसा का प्रभाव पड़ा। आप देखें कि वे उस दौर के रचनाकार हैं जिस दौर में 61 का चीनी आक्रमण होता है, 60 के बाद का जो 60-उत्तर का भी आंदोलन तमाम होते हैं, वे उन परिणतियों से होते हुए गुजरते हैं अपनी काव्य रचना में अडिग। लेकिन इसी दौरान आपातकाल भी आता है, जब वे 90 के आसपास होते हैं, तो उदार अर्थव्यवस्था भी हमारे सामने आती है, मुक्त बाजार भी हमारे सामने आता है, जिस पर उनकी कविता भी है, और गुजरात त्रासदी भी उनके समय घटित होती है। दिसंबर, वो 6 दिसंबर की घटना जो बाबरी मस्जिद की है, वे चूंकि अयोध्या के थे, राम के घर के अयोध्या के थे, लेकिन राम को लेकर उनकी चिंता अलग थी, राम को लेकर जो राजनीतिक दलों की चिंता थी वो अलग थी और उनकी चिंता अलग थी। इस तरह से अच्छा, उनकी अहिंसा में आस्था थी तो मिथकों में भी आस्था थी, उपनिषद में आस्था थी, सर्वाधिक बुद्ध में आस्था थी। एक कविता में कहा कि दरवाजे पर जो भिक्षुक आया है वो कहीं बुद्ध तो नहीं। इस तरह से वे एक अकिंचन व्यक्ति जो कहीं अगर मांगने जांचने भी आया है तो उसकी आंखों में याचना मत देखिए, हो सकता है वो बुद्ध हो जो सब कुछ राजपाट त्याग करके बस आया हो और केवल एक समय की भिक्षा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हो। तो वे अकिंचन व्यक्ति का भी मजाक नहीं उड़ाते, उनके भीतर बुद्ध भी हैं, उनके भीतर गांधी भी हैं, उनके भीतर अपरिग्रह भी है, अस्तेय भी है, अहिंसा भी। ये हमारे जीवन मूल्य, जो प्राचीन मूल्य हैं जीने के, वे भी हैं। और बाजार से प्रभावित रहने देने का उनका जो संकल्प है वो भी, उनका किसी धार्मिक कर्मकांड में विश्वास न था। इस बात का मुझे इल्म तब हुआ जब मैंने बैशवा के बहाने पर एक आलेख लिखा और इस उत्फुल्लता में उसका शीर्षक दिया मैंने कविता के माथे पर तिलक, और लिख कर मैंने उसे संपादक को भेज दिया, और वो कुछ दिन तो संपादक के यहाँ पड़ा रहा। लेकिन जब उस लेख की मैंने प्रतिलिपि कुंवर जी को भी भेजी कि आपके काव्य पर ये मेरा मंतव्य है, तो उन्होंने कहा इसे कहीं क्या छपने भेजा है, तो हमने कहा कि हाँ यहाँ पर ये छप रहा है इस पत्रिका में। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो इसका शीर्षक बदलवा दो, यानी कविता के माथे पर तिलक। तिलक को मैं श्रेष्ठता के की व्यंजना के रूप में मैंने लिखा था, तिलक किसी आस्था या पूजा या कर्मकांड का तिलक मेरी दृष्टि में नहीं था। तथापि उन्होंने ये सोचा कि एक बार लिखे जाने पर हर जगह समीक्षक इसकी व्याख्या थोड़ी करने के लिए प्रस्तुत रहेगा, उस तिलक का अर्थ हो सकता है कि कहीं ना कहीं तिलक के प्रति आस्था है, और जाहिर है कि वे कर्मकांड का हिस्सा भी है तिलक। यद्यपि सिंदूर तिलकित भाल कहकर नागार्जुन ने उसको एक उदात्त स्वरूप भी दिया है, लेकिन कुंवर जी को वो बात जो है खटकती रही, और बाद में कहा कि नहीं इसको अगर बदल जाए तो। लेकिन जितनी देर में मैं बदलने के लिए उन संपादक महोदय से आग्रह कर पाता उतनी देर में वो अंक छप कर आ गया। इस तरह से मैं ये देखता हूं कि किसी धार्मिक कर्मकांड में भी उनका कोई विश्वास नहीं था। बादशाह के बहाने, जैसा कि मैंने कहा कि आत्मजयी और बादशाह के बहाने दोनों एक पूरक पूरक काव्य हैं। और अगर हम ये देखें कि वे कवि के रूप में हमें क्या सीख देते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि उन्हें उन्होंने अनेक निबंध संग्रह भी लिखे हैं, शब्द और देशकाल,
आलोचना भी लिखी आज और आज से पहले। ये सब उन्होंने लिखा है और अनेक जगहों पर अपनी डायरियों में भी उन्होंने कविता के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। बल्कि मुझे लगता है कि वे डायरियां भी एक काव्यात्मक अंश हैं, जैसे जो जीवन के अनुभवों से छन कर प्रकट हुई हैं। एक जगह लेकिन बादशाह के बहाने में कहते हैं, बाजशवा के क्षोभ और उसके पछतावे और उसके भीतर जो सुलह है, जो पुत्र के प्रति मोह है, सम्मोह है, सबको पढ़ते हुए मुझे लगता है कि कुंवर नारायण जी एक पिता के रूप में प्रकट हुए हैं। पिता के रूप में बाजशवा की पैरवी करते हैं, आत्मजयी में तो वे नचिकेता को प्रदर्शित करते हैं, तब वे युवा होते हैं। आत्मजयी में वे खुद युवा नचिकेता है जो मृत्यु से भयभीत अपने परिवार में घटित घटनाओं के प्रति, जो उनके भीतर भय था उसमें वे नचिकेता के रूप में परिणत हो चुके थे। और तब जैसा कि नचिकेता साहस करता है यम के पास जाने का, वे उस रूप में उपनिषद के इस अंश का काव्यात्मक विस्तार करते हैं। तो उनके भीतर उस समय नचिकेता होता है, एक पुत्र होता है, युवा पुत्र जो अपने पिता से नाराज होता है, अपनी पुरानी पीढ़ी से नाराज रहता है, और इस तरह वो यम के दरवाजे पर जाकर हठपूर्वक उनसे सवाल जवाब करता है। लेकिन जब वे बादशाह के बहाने की ओर लौटते हैं, तब तक वे उत्तर जीवन में आ चुके होते हैं, उनके भीतर का पिता जाग चुका होता है। वे पिता के रूप में बादशाह के बहाने बादशाह के मन को पढ़ते हैं, और तब जब पिता के भीतर मोह जागता है, पिता के भीतर अकारण हुए गुस्से के फलस्वरूप जो पुत्र में वो बात पैदा हुई कि वो यम के यहाँ चला गया, उसके प्रति उनका क्षोभ, उनका पछतावा, तो एक पिता के रूप में भी लगता है कि वे बादशाह की पैरवी करते हैं। लेकिन वहीं पर ऐसा करते हुए बहुत अच्छे ढंग से उसको उन्होंने एक आख्यान में उपनिबद्ध किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने जीवन विवेक के बारे में कही कि जीवन जीवन कैसा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जीवन विवेक के साथ साथ वे कवि विवेक भी पैदा करते हैं, एक कवि विवेक भी हमारे सामने रखते हैं। उसकी पंक्तियां आप सबको याद होंगी, हमारे मित्रों को, कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों। एक एक पंक्ति जीवन के अनुभवों से छनकर, जीवन के अनुभवों की रिफाइनरी से छनकर आई हुई। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, वरबर महत्वाकांक्षाएं नहीं। वाणी में कवित्व तो हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं। कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हाथ से नहीं। निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। अब आप देखें कि जीवन की जो मॉडलिटीज हैं, जीवन के जो प्रतिदर्श हैं, जीवन के जो आदर्श हैं, जीवन के उच्च आदर्श, उन उच्च आदर्शों में विनम्र अभिलाषा होनी चाहिए, वाणी में कवित्व होना चाहिए, और कल्पना इंद्रधनुषी होनी चाहिए, संबंधों का नैकट्य बोलना चाहिए, और जीवन को एक सुभाषित की तरह होना चाहिए, एक श्लोक की तरह सुगठित, अकाट्य जीवन विवेक। याद आया भाषा के बारे में हमारे महापंडितों का एक श्लोक है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाणीका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम वाग्भूषणम। इसमें जहाँ
एक सुभाषित और एक श्लोक की तरह सुगठित जीवन की परिकल्पना कवि करता है, उसे जीवन विवेक के रूप में देखता है। एक भाषा वाणी को ही एक व्यक्तित्व का भूषण मान लेने वाला कवि ये कहता है कि युराणी न भूषंति पुरुषम, गहनों से पुरुष की शोभा नहीं है, पुरुष जाति की। न स्नानम न विलेपनम, न स्नान करने से, न विलेपन से, न घुंघराले बालों से व्यक्ति की शोभा इन सब से नहीं है, फिर किससे है? वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, एक वाणी ही है जो अलंकृत नहीं बल्कि समलंकृत करती है। लेकिन यह वाणी भी क्या है, ये कैसी वाणी होनी चाहिए? या संस्कृताधारित, जो सुसंस्कृत वाणी हो, जिसके गुणसूत्र में संस्कारवान मूल्य हो। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधारित शीयन्ते खलु भूषणानि सततम, और अगर ये है तो सारे आभूषण व्यर्थ हैं। वाग्भूषणम, केवल वाणी ही भूषण है जिससे पुरुष की, स्त्री पुरुष की पहचान होती है। तो ये जो जीवन विवेक की बात बादशाह के बहाने कुंवर जी ने हमारे सम्मुख रखी, ये भी रखा कि जैसा कि मैंने कहा कि बादशाह की पैरवी करते हैं, एक पिता के रूप में वे बादशाह के साथ हैं, और अब वे नचिकेता से उसकी सुलह भी कराते हैं, नचिकेता के प्रति मोह पैदा करते हैं। और तब जो हमारा कवि है वे कहता है, एक सच्चा पाश्चाताप, एक प्रायश्चित, एक हार्दिक क्षमा याचना से भी परिशुद्ध की जा सकती है भूल चूक की पिछली जमीन। जो भूल चूक हुई, भूल चूक लेनी देनी, ये हमारी मान्यता है। तो अब क्या, अगर भूल चूक हो गई है तो उसका केवल उसकी परिणति की एक पश्चाताप से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, एक वापसी के सौभाग्य से भी मनाया जा सकता है, एक नए संवत्सर का शुभ पर्व। कवि केवल समस्या नहीं रखता है, आत्मजयी में समस्या है, बादशाह के बहाने में समाधान है। तो बादशाह के बहाने केवल नचिकेता और बादशाह के आपसी संबंधों को पढ़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि वह जीवन विवेक को निर्धारित करने, उसे समझने, उसे व्यवस्थित करने की भी अंतर्वस्तु हमें देता है। जैसे कि मैंने कहा कि पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, पारिस्थितिकी के प्रति केवल कुंवर जी में नहीं बल्कि सभी में कमोवेश होता है। प्रकृति पर तो अज्ञेय का एक बेहतरीन संचयन भी है रूपांबरा नाम से, और अज्ञेय ने अपनी डायरी में लिखा है, एक पेड़ पेड़ का संवाद लिखा है कि वो पेड़ कहता है कि तुम पेड़ पर कविता लिखो, वो छपेगी तो पेड़ की लुगदी पर ही छपेगी, क्योंकि कविता उसी पर छपेगी। जब जब कोई लिखता है, पेड़ कहता कि मैं लंबी तान लेता हूं कि यह पेड़ कटने का एक और निमित्त बना, यानी मुझे यहां पर स्वीडी कवित्री मारिया भीने की एक कविता याद आती है, बहुत आहलाद के साथ वो कवि की रचना प्रक्रिया को अंकित करती है कागज पर एक कविता के रूप में, कि एक कविता बनने को है, एक शब्द कागज पर दर्ज होने को है, एक विचार प्रक्षेपित होने को है। कवि कविता लिख रहा है लेकिन उस कविता का अंत जो होता है उसमें कवित्री कहती है, लेकिन कवि होता है उदास जब कागज को बनाने के लिए पेड़ को गिराया जाता है। लगभग उसी स्वीडी कवित्री की आत्मा का दर्शन करते हुए अज्ञेय पेड़ का यह रूपक हमारे सामने रखते हैं कि वो ये जानता है कि पेड़ पर लिखी जाने वाली कविता भी अंततः कागज पर लिखी जाएगी,
जो कागज़ भी पेड़ से निर्मित है, यानी पेड़ अगर अगर कटेगा तभी कागज़ का निर्माण होगा। और कुंवर जी ने पारिस्थितिकी के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। याद है उनका एक वाक्य, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ये जो हमारे हमारी प्रकृति दिनों दिन गंदी हो रही है, हमारी नदियाँ नाले में परिणत हो रही हैं, नदियाँ सूख रही हैं, और इस सूखने का जो बहुत मार्मिक दृश्य आपने देखा होगा केदार जी की कविताओं में, पानी की प्रार्थना, पानी था मैं जैसी कविताओं में व्यक्त होती है। तो कुंवर जी कहते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। एक एक कविता में कहते हैं कि मुझे मेरे जंगल और वीराने दो। ये जो सभ्यता के नाम पर आदिवासियों का उन्मूलन हो रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके जंगल से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उसकी एक बहुत ही बारीक ये कविता है, बिना आदिवासियों का नाम लिए, बिना इस समस्या के स्थूल कथ्य में गए, वे बहुत बारीक तरीके से कहते हैं मुझे मेरे जंगल और वीराने दो। तो इस तरह से वे पर्यावरणवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। उन्होंने बादशाह के बहाने लिखा तो, या आत्मजयी लिखा तो ये था कि जैसे कि मैंने कहा कि उनका जो जो पक्ष है वो जीवन के पक्ष में बार बार विचार करते हैं, यद्यपि अवसाद, लोभ, अवसान और मृत्यु से वे जूझ रहे होते हैं। तो उसमें जैसा अभी बादशाह के धुले धुले मन का जो जो ज्ञापन वे करते हैं, बादशाह के बहाने, बादशाह के धुले हुए मन का ज्ञापन है, लौट आओ प्राण पुनः हम प्राणियों के बीच, प्राणियों में प्राण का संचार करने वाला नचिकेता आ रहा है, बादशाह का पुत्र है, प्राणियों के बीच और प्राण प्राण का संचार करने वाला जीव है। फिर मृत्यु पर विचार करते हुए, अंततः इतनी बार उन्होंने मृत्यु पर विचार किया है, तब इस काव्य में आकर, जीवन के अंतिम परिच्छेद में आकर वे कहते हैं मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है नास्ति येषां यशः काये जरा मर्जं भयम्, जो यश के भागी होते हैं उन्हें जरा और मरण का फर्क नहीं पड़ता, वे जरा और मरण से प्रभावित होते हैं, वे यशः काया में जीते हैं। मृत्यु केवल केवल पार्थिवता का लोप है, उसकी आत्मा का लोप नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, उस व्यक्तित्व की आत्मा अजर अमर है। से मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है, एक जीवन दर्शन है जो उन्होंने मृत्यु से जूझते हुए, मृत्यु के बारे में यम से साक्षात्कार करते हुए, नचिकेता के बहाने, एक कवि के बहाने जो जीवन मूल्य अर्जित करते हैं, वो यही है कि मृत्यु इस पृथ्वी पर जीव का अंतिम वक्तव्य नहीं है। यानी ये सब जीवन है और प्रकृति है, और ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। कहते हैं परलोक इसी दुनिया का मामला है, कोई परलोक नहीं है, यह लोक भी नहीं है। हम इसे ज्ञापित करने के लिए कहते हैं कि यह लोक और परलोक है, लोक तो एक ही है। एक अथक कथावाचक है समय, समय को वे अथक कथावाचक कहते हैं कि यह अवसान नहीं, एक 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 संध्या का विवरण है, जैसे जीवन की एक सांझ होती है, सांझ के बाद फिर दिन की एक संध्या होती है, संध्या की एक रात होती है, रात का एक सवेरा होता है। तो ये अवसान नहीं, एक संध्या का विवरण है, प्रतीकों की भाषा में लिखा हुआ, जिसे मैं एक नदी के किनारे बैठा ध्यान से पढ़ रहा हूं। ये पंक्तियां हैं बादशाह के बहाने की। और आशावाद तो इतना है, एक तो बादशाह के बहाने उत्फुल्लता का काव्य है, जिस मोड़ पर आत्मजयी खत्म होता है उस मोड़ पर कुछ सवाल छूट जाते हैं, उन सवालों के उत्तर हमें बादशाह के बहाने में मिलते हैं। लिखते हैं कि कल सुबह भी खिलेगा इसी सूरजमुखी खिड़की पर फूल सा एक सूर्योदय, फैलेगी घर में सुगंध सी धूप,
ये कवि का जो कथ्य है वो जीवन से भरा हुआ है। आज की जो मारधाड़ है, जो पूंजी का प्रभुत्व है, वे इसको भी इस काव्य में रखते हैं और जगह जगह रखते हैं। बाजार के बारे में भी अपनी अपनी बातें करते हैं। यहां उन्होंने कहा कि नचिकेता के लिए कहा, बादशाह के बहाने में बादशाह से कहलवाया है, तुम्हें खोकर मैंने जाना, हमें हमें क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए, क्यों चाहिए संपूर्ण पृथ्वी, जबकि उसका एक कोना ही बहुत है देह बराबर जीवन जीने के लिए, और पूरा आकाश खाली पड़ा है एक छोटे से अहम से भरने के लिए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में पूंजी को लेकर, संपत्ति को लेकर जो मारामारी है, जो संग्रहण की प्रवृत्ति है, सब कुछ, ये संसार इतना वासनामय होता जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बादशाह के बहाने में भी जीवन का दृष्टिकोण सामने रखते हैं कि कितना चाहिए एक व्यक्ति को। मुझे याद आता है कि इसी को विस्तार देते हुए मंगलेश डबराल की बाद में एक कविता आती है जिसमें कहते हैं कि हमें एक जोड़ी जूता ही काफी है, मुझे क्यों पूरी पृथ्वी चाहिए। तो जैसा कि कवियों की अपनी एक परंपरा होती है और उस सोच का विस्तार हमारे कवियों में संचरण करता है, एक मुद्दा, जैसे हर कोई कवि अपने समय का व्यास है, जिसे छायावादी लिखना भूल गए उसे प्रगतिवादियों ने लिखा, जिसे प्रगतिवादियों ने छोड़ दिया उसे नई कवितावादियों ने लिखा, आज की कविता वालों ने लिखा। व्यास कवि आधुनिक व्यास है और कविता वही है जिसके बारे में मुक्तिबोध ने कहा कि कभी भी खत्म होती नहीं कविता, वो लिखी जा रही है तमाम डायरियों में, तमाम संग्रहों के माध्यम से। इतने सारे व्यास लगे हुए हैं अपने समय की सच्चाई को, अपने समय के महाभारत को लिखने के लिए, तो कवि अपने समय का व्यास है। आत्मजयी लिखते भी उन्होंने कहा था कि आत्मजयी जो है वो मृत्यु की ओर से जीवन को मैंने देखा है। बादशाह के बहाने में उन्होंने कहा कि जीवन की ओर से मृत्यु को देखने का प्रयास किया है, लेकिन अंततः ये पीढ़ियों का अंतराल बांचती रचना है, पीढ़ियों का अंतराल जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। आज की पीढ़ी सबसे पहले अपने पूर्वज पीढ़ी को निरस्त करती है, उनके विचारों से आगे बढ़ती है, उसका विस्तार करती है, तो पीढ़ियों का अंतराल भी ये रचना बादशाह के बहाने जो है इसमें दिखता है। नचिकेता और बादशाह के इस प्रसंग को मुझे लगता है कि जीवन में सबसे ज्यादा वे किसी काव्य में रमे हैं, स्फुट काव्य में नहीं, बल्कि आत्मजयी और बादशाह के बहाने में उन्होंने अपनी अस्थिमज्जा और अपने काव्य विवेक का अधिकांश निचोड़ कर सामने रख दिया है। और तब मुझे यह लगता है कि जैसे एक महाकाव्य जीवन का काव्य होता है, एक उपन्यास जीवन का उपन्यास होता है, एक कहानी एक क्षण का वृत्त होता है, एक स्फुट कविता एक क्षण का अनुभव बोध हो सकती है, लेकिन एक काव्य, और अगर वो प्रबंध काव्य है, तो एक पूरी जीवन दृष्टि उसके माध्यम से आती है। हमने देखा कि बादशाह के बहाने को उन्होंने दो खंडों में विभाजित किया, नचिकेता की वापसी और बादशाह के बहाने। तो नचिकेता की वापसी के उनके जो उपखंड हैं, आह्वान, उसका आह्वान किया जाता है कवियों मनीषा, उसे याद आने लगे कई कई जीवन, उसे याद आया एक जीवन, एक अन्य आरंभ, पिता के गले लगते, सारा सारी दृश्य संरचना, जैसे कि वे चूंकि फिल्म माध्यमों के भी जानकार थे, सिने समीक्षक भी थे, तो सिनेमाई जो कथ्य संरचना है, जो विजुअल्स हैं, बादशाह के बहाने और आत्मजयी को किसी बेहतरीन काव्य नाटक के रूप में परिणत किया जा सकता है।
उसको नाटकीय अन्विति से भरा जा सकता है, जिसमें कि ऐसी अन्विति है भी उसमें, तो विन्यस्त है। और बादशाह के बहाने वाले खंड में एक व्यामोह का अंत, उपरांत जीवन, अच्छा हुआ तुम लौट आए, तुम्हें खोकर मैंने जाना, अपना हो दूसरापन और यह अवसान नहीं। ये पूरी जीवन दृष्टि है कि जो कुछ हम लुप्त तो होता हुआ देखते हैं वो लुप्त तो नहीं होता है, वह अवसान नहीं होता, वह एक विराम है, एक संध्या की तरह। कुंवर जी अपने काव्य में, कुंवर जी की चिंता बड़ी गहरी रही है, खासतौर से अपनी अपनी कविताओं में सूक्ष्म होते हैं, लेकिन अपनी डायरियों में, शब्द और देशकाल के निबंधों में, अपनी आलोचनाओं में वे खुलते हैं, जैसे अज्ञेय अपनी अंतः प्रक्रियाओं में, अपने जर्नल्स में खुलते हैं, अपने निबंधों में खुलते हैं। अज्ञेय का कहा याद आता है, उन्होंने इस राष्ट्रीयता को अपनी तरह से परिभाषित किया, मिला सब कुछ लेकिन बेपेंदी का, शिक्षा मिली उसकी नींव भाषा नहीं मिली, आज़ादी मिली उसकी नींव आत्मगौरव नहीं मिला, राष्ट्रीयता मिली उसकी नींव अपनी ऐतिहासिक पहचान नहीं मिली। ये चिंता थी अज्ञेय की। कुंवर जी की भी चिंता है, कुंवर जी भी जो जीवन मूल्य लुप्त तो हो रहे हैं उनको अपनी कविताओं में सामने रखते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा भी है, हिंदी में उन्होंने लिखना स्वीकार किया तो केवल इसलिए नहीं कि अंग्रेजी में लिख नहीं सकते थे, लेकिन अंग्रेजी में जो स्वाभाविक लेखन है उसको कहीं ना कहीं शायद वे सीमित करके देखते रहे होंगे, इसलिए हिंदी में आए। हिंदी के बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि हिंदी हमारे घर की भाषा है, आपसी संबंधों की भाषा है, मेल मिलाप की भाषा है, मोहब्बत की भाषा है, आचार और विचार की भाषा है, और कविता और कलाओं की भाषा है। फिर अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी के बारे में कहते हैं यह तिजारत की और व्यवहार की भाषा है, उद्योग धंधों की भाषा है, आर्थिक और राजनीतिक समझौतों की भाषा है, आंकड़ों की भाषा है, ये कारोबार की भाषा है, जानकारियों की भाषा है, सूचनाओं की भाषा है। लेकिन जीवन के लिए और इस दुनिया में रहने के लिए हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की जरूरत है। हिंदी से उनका प्रेम हुआ तो उन्होंने कविता लिखी तो हिंदी में लिखी, और व्यवहार के लिए वे अंग्रेजी में अध्ययन उनका था ही। तो इस तरह से हिंदी के प्रति उनका जो, एक बार उनसे किसी ने पूछा कि अज्ञेय के लेखन को लोग जिस तरह से आत्म केंद्रित बताते हैं, व्यक्तिवादी लेखन का टैग लगाते हैं, उसी तरह से आप पर भी विचार किया जा सकता है और आपको भी, आपके पूरे लेखन को आत्म केंद्रित कहा जा सकता है, क्योंकि मुखर होकर न तो किसी आंदोलन के पक्ष में बोलते हैं, न तो नागार्जुन की तरह लिखते हैं, न भी त्रिलोचन की तरह लिखते हैं, न भी किसी राजनीतिक कवि रघुवीर साहे की तरह लिखते हैं, न मुक्तिबोध की तरह लिखते हैं, जिसमें कि कई कई जगह चेतावनियां हैं उनकी अपनी काव्य भाषाओं में। तो कुंवर जी बोले कि भाई आत्म केंद्रित होने का जो आरोप अज्ञेय कुल के लेखन को लेकर होता है उससे मैं सहमत नहीं हूं, अज्ञेय भिन्न सोचते हैं, मैं उनसे भिन्न सोचता हूं, कोई दूसरा मुझसे भिन्न सोचता है, अंतर, लेकिन अंतर कैसा है? जैसा कि अज्ञेय के आत्मने पद में है और मेरे आत्मजयी में, वहां भी आत्म है यहां भी आत्म है, दोनों के आत्म में जो अंतर है वही विचारणीय है। और ये बरसते हुए कहा कि अज्ञेय का लेखन बहुत बड़ा लेखन है, उनके आत्म को संकुचित करके न देखें, वे परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च के समर्थक थे, यानी दूसरा दूसरा नहीं है, मम यानी मेरा मेरा नहीं है, दूसरा एक कवि के लिए दूसरा नहीं है और उसका अपना भी उसका अपना नहीं है, उसके समर्थक थे, ये बात लिखी उन्होंने। और याद होगा कि उन पर जब आरोप लगाया गया
कि आपकी जो कविता है तो निजी ड्राइंग रूम की कविता है, एक सीमित परिधि की कविता है, उसका व्यास बहुत बड़ा नहीं है, उसकी परिधि बहुत बड़ी नहीं है, उसका कथ्य आत्म केंद्रित है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी कविता ड्राइंग रूम की कविता है, लेकिन इस ड्राइंग रूम में सारी दुनिया सिमट आती है। यही कारण है कि हाशिए का गवाह में उन्होंने ट्यूनिशिया या उस संग्रह में या किसी में ट्यूनिशिया का कुआं जैसी कविता लिखी और सिद्ध किया कि कैसे एक कुएं का पानी दूसरे कुएं से मिलता है, ट्यूनिशिया का पानी जो है मक्का मदीने के कुएं से मिलता है। इस तरह की वैश्विक अवधारणा जोड़ी और उनका जो हमारा जो जो आर्ष चिंतन है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जाहिर है कि उनकी कविता में भी होता है और कवियों की अपनी कोई सीमा रेखा नहीं होती, उनकी कोई सरहद नहीं होती। इस बात को उन्होंने प्रेम रोग में अपनी कविता में व्यक्त भी किया है। तो उन्होंने कहा कि कविता को आप जो आत्म केंद्रित कह रहे हैं, कविता को हम उस तरह से अनुभव नहीं करते जैसे हम ठोस स्थूल वस्तुओं को छू कर करते हैं। कविता हमेशा जो है वो कवि के आत्म से प्रकट होती है, लेकिन उसके आत्म में पूरे विश्व का आत्म समाया हुआ होता है। उन्होंने एक जगह कहा भी कि कविता एक कविता होती है जीवन के बारे में, एक कविता होती है जो जीवन में प्रवेश कर जाने वाली कविता होती है, जीवन के बारे में और जीवन में प्रवेश कर देने वाली वाली कविता, दोनों का जो अंतराल है, दोनों का जो फर्क है वो समझने की बात करते हैं। और कवि क्या करता है, कहते कवि सपने रचता है, प्रेम के सपने रचता है, सुंदर सपने रचता है, अमर सपने रचता है, लेकिन सब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। स्वांता सुखाय तुलसी ने भी कहा, मुझे लगता है कि स्वांता सुखाय कुंवर जी का भी लक्ष्य है, एक कवि का लक्ष्य है, लेकिन उसकी स्वांता सुखाय में दूसरों का सुख शामिल है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक गरीब कारीगर जैसे चीजें बनाता है, अपने सुख के लिए नहीं बनाता, वो अपने बनाए सपनों से वंचित होता है, अपना फर्नीचर खुद नहीं बरतता, अपना शिल्प खुद नहीं बरतता। इस तरह से अपनी रचना लिख कर भी कवि उसके रचने का सुख तो लेता है, लेकिन रचकर वो अलग होता है, अपनी रचना से पृथक हो जाता है। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, वो अलग। रचना लिखते ही, रचना जब सार्वजनिक हो जाती है तो सबकी हो जाती है। अब उनकी कविता में अगर हमें देखें कि शिल्प क्या है, हर कवि का अपना विधान होता है। एक समय था कि कविता शिल्प से आच्छादित हुआ करती थी, एक कविता थी जो वक्तव्य केंद्रित हुई, जब धूमिल को कहना पड़ा कि एक कविता सबसे पहले सार्थक वक्तव्य होती है, तो कुंवर जी ने एक कविता लिखी कि कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, एक एक कविता में उन्होंने ये बात कही। तो जाहिर है कि कवि अपने अपने तरीके से अपने समय के शिल्प को आविष्कृत करता है, अपने लिए आविष्कृत करता है, अपनी भिन्नता को प्रमाणित करने के लिए। उन्होंने कहा कि आज की कविता का शिल्प बेशिल्प है, कि उसमें कोई भी कविता कर सकता है, अब तो छंद का आग्रह भी नहीं है, वो गद्य में लिखी जा सकती है, लिखी जा रही है, लेकिन कविता इसलिए श्रेष्ठ नहीं होती कि उसमें कोई शिल्प है या नहीं है, उसमें छंद है या नहीं है, बल्कि इसलिए श्रेष्ठ होती है कि किस कथ्य का निरूपण करती है, अपने हाव भाव से नहीं बल्कि कथ्य के वजन से पहचानी जाती है। एक भाषाई संस्कृति को अपने अपनी काया में रचती, उक्ति वैशिष्ट्य, कवि की कविता उक्ति वैशिष्ट्य है, सामान्य उक्ति से अलग उसकी उक्ति है, वो कवि की उक्ति है, इसलिए उक्ति वैशिष्ट्य है, उक्ति वैचित्र्य नहीं कह रहा हूं मैं, राजशेखर का कथन है उक्ति वैशिष्ट, उसको वे प्रमाणित करते हैं और तभी वे अपने जीवन जीवन के सरोकारों को उस तरह से व्यंजित नहीं करते जैसे
राजनीति से प्रेरित कवि किया करते थे कि राजनीतिक जो जो फलसफा है वो मार्क्सवाद का हो, गांधीवाद का हो, मानववाद का हो, उसका कोई ना कोई टैग उनकी कविता में दिखाई देता है। लेकिन कुंवर नारायण जी ने सारी विचारधाराओं को पचाकर, ऐसा नहीं कि मार्क्स के अध्येता नहीं थे, वे गांधीवाद के अध्येता नहीं थे, वे सार्त्र के अस्तित्ववाद के अध्येता नहीं थे, विश्व की अन्य वैचारिकी के अध्येता नहीं थे, लेकिन सबको पिरो कर उन्होंने भारतीय जीवन परिधि में, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय जीवन आख्यान, भारतीय मिथकों के आलोक में इस जीवन को देखा। कविता तो जीवन का ही आईना है और तभी वो समाज का आईना है। जब कहते हैं कि फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। तो एक जीवन दर्शन वो हमारे सामने रखते हैं कि सुखद प्रतीक्षा में जीवन बीत जाए, एक ऐसा आलोक होना चाहिए एक एक मनुष्य के पास, एक अकिंचन व्यक्ति के लिए दुख से गुजरते हुए व्यक्ति को भी उसके उस कंधे पर हाथ रखते हैं ये कहते हुए कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। एक कविता में वो कहते हैं कि इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो फिर कभी न भरता। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता फिर कभी न भरता। सीधे सीधे अपने सरोकार लेकिन एक निहायत बारीक काव्यात्मक परिणति में उन्होंने ये बात कही। अपने जीवन की शैली को भी उन्होंने अनेक अनेक कविताओं में, आत्मने पद में व्यक्त किया। इतना कुछ था इस दुनिया में लड़ने झगड़ने को, मरने मारने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूबा रहा और जीवन बीतता रहा, जरा से प्यार में। उन्होंने कहीं कहा है, जरा सा कवि जरा सा मनुष्य, जरा सा, जो अपने उत्तर जीवन में ऐसी बहुत सारी युक्तियां देते हैं कि अब मैं तमाम तरहों से बीत रहा हूं, इसका अब उल्लेख भी करते हैं। अपने जाने के पहले अपने जाने के संकेत भी करते हैं, अपने जाने के पहले जाने के क्षोभ को और अपूर्णता को, जो चीजें अपूर्ण रह गई हैं, और तभी तो शीर्षक इतना बिफिटिंग बनता है, सब इतना असमाप्त। कवि जीवन अगाध होता है, कालो या निर्वधि विपुला च पृथ्वी, पार्थिवता की एक परिधि होती है, उसका एक कालखंड होता है, लेकिन जीवन मूल्य जाते हुए भी उनका कौल कि अगर उन्हें जाना ही पड़ा तो अब की लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। और इस कविता में कहते हैं कि अब की लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुग्भाग् भवेत्। ये भारतीय चिंतन है, कुंवर नारायण जी भारतीय चिंतन के कवि हैं, उस उदार भारतीय चिंतन के जिसकी काव्य वसुधा में पूरी विश्व वसुधा का चिंतन समाया हुआ है, विश्व विश्व वसुधा के हिताहित समाये हुए हैं। हम बार बार बाजार की बात करते हैं, बाजार के प्रभावों को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि आगे हुए, विज्ञापन खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, जैसा काव्य लीलाधर जगोड़ी ने लिखा, जिसमें बाजार से लड़ती भिड़ती और उसके उपरांत अर्जित बहुत सारी कविताएं हैं। कुंवर जी ने भी एक कविता लिखी कि बाजार का किसी कवि पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ता। अनेक अनेक कविताओं में कुंवर जी अपने अस्ति अपरिग्रह अहिंसक मनोभूमि का दिग्दर्शन करते हैं।
एक वृक्ष की हत्या के बहाने वे पर्यावरणवादियों के साथ खड़े होते हैं। ऐसी कुछ कविताओं का मैं केवल जिक्र करना चाहता हूं जिससे कि मैं अपनी वार्ता का समाहार कर सकूं। ट्यूनीशिया का कुआं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस कुएं के बहाने वे जो जल का जो सातत्य है पूरे विश्व की, जो पृथ्वी के की में अंतर्निहित जो जल स्रोत है उसकी अटूट धारावाहिता को इसमें कहते हैं। ट्यूनीशिया में एक कुआं है, कहते हैं उसका पानी धरती के अंदर ही अंदर उस पवित्र कुएं से जुड़ा है जो मक्का में है। मैंने तो यह भी सुना है कि धरती के अंदर ही अंदर हर कुएं का पानी हर कुएं से जुड़ा है। ये है अपने जिस बात को मैं कह रहा था, बाजार से प्रभावित होना, वो बाजारों की तरफ भी एक कविता है जिसमें कहते हैं अंतिम जो पंक्तियां हैं कि वैसे तो सच ये है मेरे लिए कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां मैंने हमेशा पाया है एक ऐसा अकेलापन जैसा मुझे बड़े बड़े जंगलों में भी नहीं मिला, बाजार में अकेलापन। अद्भुत विरुद्धों का सामंजस्य वजह से, और एक खुशी कुछ कुछ सुकरात की तरह कितनी ढेर सारी चीजें जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। एक जगह कहते हैं तट पर हूं पर तटस्थ नहीं। याद होगा कि एक पंक्ति दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जिससे उसका उत्तर दे रहे हूं कि भाई मैं तटस्थ नहीं हूं, मैं तट पर हूं पर तटस्थ नहीं। तट पर होना महत्वपूर्ण, तटस्थ होना महत्वपूर्ण नहीं। ये इन्होंने उस पूरी परिभाषा को इस तरह रखा। अन्य कविताओं में जो मेरी प्रिय कविताएं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों प्रिय, अब की लौटा तो जिसको मैंने सुनाया ही, नीम के फूल जैसी बेहतरीन कविता है जो कि अपने पिता के पार्थिव शरीर पर नीम के फूल गिर रहे हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा और काव्य में निमज्जित उसका जो पाठ है वो सामने रखते हैं। एक वृक्ष की हत्या में, जैसा मैंने कहा, पर्या एक आख्यान की तरह, एक कहानी की तरह रखते हैं। अब कि घर लौटा तो देखा वो नहीं था, एक बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, यहां से कहते हैं। और इसी तरह की एक कविता है द्वारिका में सुदामा, जो ये मिथक है मैत्री का मिथक, सारे मिथक और मान्य मूल्य टूट गए हैं आज के पूंजीवादी दौर में, कौन किसका मित्र है। फेसबुक पर आप देखें कितने सारे मित्र हैं, आवश्यकता पड़े तो उसमें कोई भी मित्र नहीं है। किसी का अवसान होता है तो यहाँ पर नमन का वमन होने लगता है, एक ऐसा दौर है हर कोई नमन कर रहा है, वो शब्दों में नमन है। हमारी सारी चिंताएं जड़ी भूत हो गई, हमारा भाव संसार बहुत आस्फालित हो गया है, उसमें वो सघनता नहीं रही है जैसे मनुष्यता विभाजित हो भीतर से। द्वारिका में सुदामा ऐसा ही, जो हमारी मित्रता का मिथक है वो कैसे टूट गया है। आज द्वारिका सुदामा, मतलब सुदामा और कृष्ण की वो मैत्री नहीं रही जो हमारे मिथक हमें बताते हैं। एक कविता में पढ़कर अंत करना चाहूंगा, कितने अच्छे तरीके से वे उनके उनका शिल्प ऐसा कि पूरे दिन मैं घूमता रहा कहीं अपमानित नहीं हुआ। ये जो कविता है बहुत अच्छी कविता है, आप देखें कि वक्तव्य नहीं है लेकिन बड़े अच्छे ढंग से एक पूरे दिन के वृत्तांत को सामने रखते हैं और कहते हैं कि और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं अपने को ही लौटा पाया। इतनी आश्वस्ति है, कोई व्यक्ति अगर इतना सुरक्षित लौट आए तो जीवन शायद जीने योग्य है। एक बहुत अच्छी अच्छी कविता है शिल्पहीनता की कविता में, ये क्या जादू है जो कुंवर नारायण जी जगाते हैं, जहां जिसे कहते कि अनुपस्थिति में सर्वाधिक उपस्थिति महसूस होती है। कोई अनुपस्थित है तो सबसे ज्यादा हमारे भीतर उपस्थित होता है वो, ऐसा उन्होंने एक कविता में कहा है। उनकी कविता संसार का कविता संसार इतना विपुल है कि उसको किसी एक घंटे या समय की अवधि में नहीं बांचा जा सकता, क्योंकि
बहुत सारे बड़े कवियों की कविताओं का फलक इसलिए चौड़ा नहीं होता कि वो परिमाण में ज्यादा होता है। कविता खत्म हो जाती है, उसकी गूंज बनी रहती है। वो गूंज गूंज इस तरह से व्याप जाती है, शब्द तिरोहित हो जाते हैं, और कविता शब्दों में नहीं लिखी जाती, उन्होंने कहा ही है, उसका एक अंतराल होता है, उसमें कविता होती है। एक कविता है जो कि बहुत बारीक है, और कुमारायण जैसी ये कविता मुझे लगता है कि अन्य किसी किसी कवि के लिए साध्य न होती। आना किंतु इस तरह, आना किंतु इस तरह कि अपनी पहचान में ना आना, जैसे तुम नहीं तुम्हारी जगह एक धुंध एक कुहासा, डूबते सूरज की धूसर रोशनी को ओढ़े हुए। आना किंतु इस तरह कि अब की पहचान में ना आना, जैसे तुम नहीं तुम्हारी जगह एक धुंध एक कुहासा, डूबते सूरज की धूसर रोशनी को ओढ़े हुए। आना जबकि समय बहुत कम हो और अनंत पड़ा हो पाने को, मुझे बेहद जल्दी हो जाने की, और एक अजनबी रास्ता बेताब हो मुझे ले जाने को। उस वक्त आना ऐसे कि लगे किसी ने द्वार खटखटाया, कोई न हो पर लगे कि कोई आया। इतना आत्मीय इतना अशरीर जैसे हवा का एक झोंका, इतना आत्मीय इतना अशरीर जैसे हवा का एक झोंका, और मुझ में समाकर निकल जाना जैसे निकल गई एक पूरी उम्र। जैसे निकल गई एक पूरी उम्र। ये अब मैं अपने वक्तव्य का समाहार इस रूप में करना चाहता हूं कि कुंवर नारायण का काव्य, उनका कथा संसार, उनकी स्नेह समीक्षा का संसार, उनका अनूदित काव्य संसार, उनके व्यक्तित्व की बारीकियां, उनकी उदारताएं, उनकी साधारणता, उनके यहाँ कोई बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाए तो भी मिलने की वैसे ही कृष्ण जैसी ललक, उसका स्वागत, उनका आतिथेय आतिथेय सब कुछ अब याद आता है। मैंने देखा है कि मैंने उन पर अन्वय और अन्विति नामक जब दो खंडों में उनके ऊपर हिंदी में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ आलोचनाओं और समीक्षात्मक निबंधों का समायोजन किया, तो देर तक उसके बारे में बातें होती, उसे उसे पढ़कर देखते आश्वस्त भी होते। अगर कहीं कोई आलोचना भी होती, किसी कमी की ओर इशारा भी होता, वाजिब कमी की ओर, तो उसे समीक्षक की स्वायत्तता स्वतंत्रता और समीक्षक की विवेक मानकर उसका आदर करते। अनेक ऐसे लेख हैं जितनी बारीकी से वे कविता लिखते हैं, कविता खुद अपने समय की आलोचना होती है, वो किसी को नहीं बख्शती। तो आलोचक की स्वतंत्रता को भी वे मान देते थे। खुद उन्होंने जब हजारी साहब द्विवेदी की एक पुस्तक की आलोचना की, किसी समारोह में उनका आमना सामना हुआ, वे सकुचाते फिर रहे थे कि पंडित जी आए और उनके उन कंधे पर हाथ रखकर बोले, कुंवर तुमने बहुत अच्छा लिखा है। उनका संकोच दूर हुआ। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी ओर से वो मेरे दोनों खंडों के निबंधों को, वे जब तक रहे तब तक उन्होंने उसको उल्टा पलटा देखा, और जहाँ कहीं उन्हें लगा कि उनकी कविता में कोई समीक्षक, चाहे युवा हो चाहे जिस उम्र का हो, अगर उसने उस तल तक पहुंच कर एक ऐसी विशेषता को लक्ष्य किया है जो जिसके बारे में कुंवर जी को भी लगता था कि एक ये समीक्षा में नवाचार है, तो उससे उलटकर फोन करते थे। कई लोगों को फोन किया जिनसे मैंने निबंध लिखवाए, अनेक युवा कवि युवा लेखक युवा आलोचक इसके गवाह हैं कि उनका उनका फोन जाता था, यानी अपने ऊपर लिखने पर वे कृतज्ञता जाहिर करते थे। ये उनके भीतर ये जो बात थी ये बहुत ही स्प्रेरणीय थी, और अब वे नहीं हैं, उनका भी अपार
रचना संसार उनकी डायरियों में सुरक्षित है। उनका पुस्तकालय मैंने देखा है कि नीचे तलघर में सूना पड़ा हुआ है, शायद उसमें अपूर्व जी और भारती जी कभी कभी बैठते हों। उनकी रचनाओं को सहेजना, उनके अधूरे ड्राफ्टों को एकीकृत करना, उन्हें प्रकाशन में लाना, मुझे लगता है कि कुंवर नारायण जी जिस मितव्ययिता के हामी थे, कम शब्दों में कविता कही जाए, लंबी कविता तभी हो जब उसकी आवश्यकता हो, वो किसी फैशन के वशीभूत न लिखी जाए, काव्य तब लिखे जाएं जब जीवन के बड़े प्रश्न हों, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में उसका निर्वाह किया। और वे इतने सावधान पाठक थे, अनेक अपने समय के युवा कवियों पर उन्होंने रुख में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी कविता की रीडिंग अंत तक, जब तक उनकी आंखों में रोशनी रही वो चलती रही, जब नहीं रही तो वे पंकज बोस, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी या अन्य शिष्यों से वे सुनवाकर उसका अवगाहन करते रहे। एक बार जब उनकी आंख नहीं थी और मैंने कहा कि आप अभ्यस्त हैं तो आप चाहें तो टाइपराइटर पर वैसे ही कर सकते हैं, वो आ जाएगी, उसको कोई देख लेगा, लेकिन यह है कि हाथों से लिखने पर या जब दिखाई पड़ता है तब हम उसको देखते होते हैं, हम उस पूरी कविता की कल्पना और स्मृति और उसके विस्तार से अवगत होते चलते हैं। हमारे भीतर जो सेंसर है, हमारे भीतर जो जो संशोधक है, जो परिमार्जक है, वो उसमें सक्रिय रहता है कि उसको एक बार पूरे ड्राफ्ट को पढ़ते हैं, फिर कोई शब्द बदलते हैं, फिर कोई उसको एक नया विस्तार देते हैं, किसी पंक्ति को इधर से उधर करते हैं। ये जो सुविधा है, ये रोशनी के न होने पर ये बहुत दिक्कत है। उन्हें, मुझे लगता है कि भीतर से इस बात की बड़ी वेदना थी कि उनके भीतर जो उमड़ घुमड़ थी, पूरी तरह से जागृत अवस्था में थे। बहुत सारी कविताएं उनके पास आती रही होंगी, लेकिन वे संकोच में रह जाते रहे होंगे अपने उत्तर जीवन में कि अब कैसे वे दर्ज करें। अगर किसी को बुलाकर बोलते हैं तो कविता थोड़े से शोरीले वातावरण में उनके हाथ से छूट सकती है, उनकी कल्पना विच्छिन्न हो सकती है, उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इन तमाम चीज़ों से, उनके भीतर एक ऐसी अवस्था का दर्शन मैंने उनकी आखिरी दौर की कविताओं में, जो सब इतना असमाप्त में दर्ज हैं, मैंने देखा। जैसे उनकी विकलता, उनकी वेदना उसमें व्यंजित हुई है। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी उस किताब को पढ़ा होगा, उसकी कविताएं पढ़ी होंगी, इस बात से अवगत होंगे कि कुंवर नारायण जी का जो 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 विषाद है, जो विषण्णता है, वह भी कितने खूबसूरत तरीके से उनकी आखिरी दौर की कविताओं में व्यक्त हुई है। उनका पूरा जीवन एक कवि का जीवन था, उनकी पूरी जीवन शैली एक कविता की तरह उपनिबद्ध थी। यदि वे जीवन विवेक के बारे में बादशाह के बहाने में कहते हैं, अकाट्य जीवन विवेक, एक श्लोक और सुभाषित की तरह सुगठित, तो ऐसे जीवन जीने के वे हामी भी थे। लेकिन उस असाधारण जीवन में भी उनकी साधारणता, उनकी मनुष्यता, उनकी कर्मठता, उनकी उदात्तता, उनकी कृतज्ञता अप्रतिहत थी, और अपनी कविताओं में इन जीवन मूल्यों के लिए वे सदैव जीते रहे। उनके भीतर एक बुद्ध बोलता रहा, उनके भीतर एक गांधी बोलता रहा, उनके भीतर एक लोहिया बोलता रहा, लेकिन इस सब के बावजूद कुंवर नारायण का होना हर समय, जब भी आने वाले समय में ऐसे कभी पैदा होते रहेंगे, उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी विकलता हमारे समय के कुंवर नारायण से कोई बहुत भिन्न न होगी। आज के इस सत्र में जो कुछ भी मैं कह पाया, मैं बार बार महसूस करता हूँ कि कुंवर नारायण जी पर जब भी लिखता हूँ, लिखकर अलग होता हूँ, लगता है कि फिर कविता छूट गई, फिर कविता धोखा दे गई, मैं उसे उस तरह से नहीं लिख पाया जिस तरह अब वो आलोकित हो रही है। एक अच्छी कविता, एक अच्छा कवि एक बार में पढ़े जाने पर उसके पढ़ने की आवश्यकता न हो, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी कविता वही है जिसको पढ़ने के बाद, जिस पर मनन चिंतन करने के बाद
जब दोबारा आप उसे पलटें तो उसमें कुछ आलोक के अलग कण दिखाई दें, अर्थ की कोई अलग उद्भावना दिखाई दे, एक अलग द्विति, एक अलग सा शिल्प, एक अलग अंदाजे बयां लगे कि कभी एक बार फिर अपनी रचना में पुनर्जन्म ले रहा है नए तरीके से। मुझे लगता है कि एक कवि की जो जो सार्थकता है, शाश्वत की सार्थकता, एक कवि की जो शाश्वत उपस्थिति है, इसी अर्थ में होती है कि वह आज भी प्रासंगिक है, वह कल भी प्रासंगिक होगा। कुंवर जी ऐसे कवियों में हैं जिन्होंने अपनी स्थूलताओं को अपनी अपनी कविता में बहुत हद तक छिपाया है और अपनी आत्मवत्ता को, अपने आत्मने पद का विस्तार इस तरह से किया है कि वो हमारे हमारे आत्म से मेल खाती है और जीवन के जो बुनियादी लक्ष्य हैं उनसे होती हुई जीवन के जो बृहत्तर लक्ष्य हैं उनसे टकराती है। जनसुलभ पुस्तकालय को इस आयोजन के लिए और इस आयोजन में सहचिंतन के लिए मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर नारायण जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए उनके परिवारजनों, भारती जी और अपूर्व जी को भी मैं यहाँ नमन करता हूँ। जब जब भी उनके अध्ययन के लिए उनके पास मेरा जाना हुआ है, कुंवर जी के रहते हुए और कुंवर जी के न रहने के बाद भी उनका जो आतिथ्य मिला है, उनका जो स्नेह मिला है, अनेक मेरी दुर्वह अवस्थाओं में भी उनका जो स्नेह मिला है, जो आश्वासन मिला है, उसके प्रति मैं विनत हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति, अर्पण कुमार जैसे युवा कवि के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ और मैं इसी के साथ अपने सभी सुनने वालों वाले मित्रों, कवियों, लेखकों, श्रोताओं, देवियों और सज्जनों सबको अपनी ओर से मैं अभिवादन करता हूँ और विदा लेता हूँ। धन्यवाद।